नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। अभिनेत्री जिया खान मामले में आज मुंबई के सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। आपको बता दें कि सूरज पंचोली को लेकर आज मुंबई के सीबीआई कोर्ट ने 10 साल बाद अपना फैसला सुनाया। 3 जून साल 2013 में एक्ट्रेस जिया खान ने अपनी जान दे दी थी। इस मामले में पहले पुलिस ने सूरज पंचोली को गिरफ्तार किया था और इसके बाद सीबीआई को उन्हें सौंप दिया। फिलहाल सूरज पंचोली इस मामले में जमानत पर थे और आज कोर्ट ने सबूतों की कमी की वजह से सूरज पंचोली को बरी कर दिया है, उन्हें बेकसूर है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से एक्ट्रेस जिया खान की मां राबिया खान बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने इसे एक साजिश करार दिया है। साथ ही यहां पर अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब एक्ट्रेस जिया खान की मां इस केस को हाई कोर्ट ले जा सकती है। 10 साल से एक्ट्रेस की मां इंतजार कर रही थी कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज कोर्ट का फैसला हर किसी को हैरान कर रहा है कि 10 साल बाद आज सूरज पंचोली को इस केस में बरी कैसे कर दिया गया, बेकसूर कैसे घोषित कर दिया गया। कोर्ट के इस फैसले को लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बवाल मच चुका है। तरह तरह के रिएक्शन सेलिब्रिटीज यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में मुंबई के सीबीआई कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।